रोलेंड XPS 10 कीबोर्ड पर क्लीन गिटार। कुछ म्यूजिशियन भाई लोग हमको कमेंट्स किया था रोलेंड XPS 10 कीबोर्ड पर गिटार टोन बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों का फरमाइश टोन गिटार टोन, वो भी क्लीन गिटार जो होता है, मैं वही गिटार को मैं मॉडिफाई करेंगे सिर्फ आप लोगों के लिए। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, नंबर 3 ग्रुप पर ये जो टोन है 119 प्लेन गिटार, इस टोन को लाइए। उसके बाद आप मेनू बटन को प्रेस कीजिए और कर्सर प्लस बटन प्रेस करके आपको पैच एडिट पे आना है। इसको एंटर मार दीजिए। इसका लेवल 105 है, इसको 127 कर दीजिए, वैल्यू प्लस माइनस करके 127 हो गया। इसको एग्जिट मार दीजिए, फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस करके आगे बढ़िए, इफेक्ट एडिट इसमें आ जाइए और इसको एंटर मार दीजिए। एंटर मारने से ऐसा आएगा, बहुत सारा ऑप्शन है, आपको प्लस माइनस करके वैल्यू प्लस माइनस करके आपको इफेक्ट मिलाना है। फेजर गिटार हो जाएगा दोस्तों, मैं इस गिटार को बनाएंगे, फेजर गिटार ही बनाएंगे। तो पहले 11 नंबर लाइए 11, और इसके बाद कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए। इसका इफेक्ट 4 है, इसको अप डाउन करके देखते हैं कैसे लगता है दोस्तों। इसको मोड नंबर 12 रख दीजिए। फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, इसका रेट प्लस माइनस करके देखते हैं। रेट रख दीजिए 1.50 और मिक्स्ड 127 ही रख दीजिए। फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस, लेवल 127 और कोरस लेवल दोस्तों आपको रखना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। कोरस रख दीजिए, फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए और MFX रिवर्ब लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है दोस्तों। फिर बाद में मिलाएंगे दोस्तों, यही रख दीजिए सेटिंग्स। और उसके बाद इसको पहले सेव कर लीजिए, फिर बैक हो एग्जिट मार दीजिए, सीधा एग्जिट मार दीजिए, ऐसे एग्जिट मार दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। देख लीजिए आपका टोन सेम टू सेम है कि नहीं। ऐसे ही सेम टू सेम है। अभी इसको पहले सेव कर लीजिए। सेव कैसे करेंगे, शिफ्ट और मेनू बटन को एक साथ में प्रेस कीजिए। शिफ्ट बटन को कैसे होल्ड कीजिए, मेनू बटन को प्रेस कीजिए, ऐसे लिखा आएगा। इसको पहले सेव कर लीजिए, एंटर मार दीजिए। कौन सी नंबर पे आपको सेव करना है, प्लस माइनस करके खाली जगह नीचे में ढूंढ लीजिए, जहाँ पे खाली जगह है। इसमें देख लीजिए, इसमें खाली जगह है, इसमें 590, इसमें सेव कर लीजिए पहले एक बार।
दो बार, आपका टोन 590, इसमें आपका टोन सेव हो गया दोस्तों। अभी आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको पार्ट पे लाइए, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे 16 तक लेयर है, आप अपना मर्जी से लेयर कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 लेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, प्रोग्राम पे आ जाइए और आपको वैल्यू माइनस करके आपको आना है 016 पे आ जाइए, 016, ये देखिए 016, इसमें हम सजाएंगे। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए, कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, पार्ट नंबर 1001 आ गया, पैच नंबर, इसमें सजाएंगे। कौन सी नंबर पर, नंबर पे ये टोन था 3 नंबर का, 3 नंबर दबा दीजिए, 590 आपका टोन आ गया, आपका टोन आ गया, आपका टोन आ गया। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसको पहले ठीक करना है। इसमें देखिए दोस्तों रिवर्ब लिखा हुआ है, एक इसमें कर्सर पर एक रिवर्ब लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, इसका रिवर्ब लग दीजिए। और थोड़ा सा बढ़ाने से अच्छे लगेगा, 122 कर दीजिए, 122 रिवर्ब इधर से मिलाइए एक नंबर का, फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, इसका लेवल 127 कर दीजिए, 127 कर दिया, लेवल बढ़ गया दोस्तों। ये देखिए लेवल बढ़ गया दोस्तों। अभी आप कर्सर प्लस बटन को प्रेस कीजिए, इसका कीबोर्ड स्विच हम बाद में ऑन करेंगे और बाकी थोड़ा सा काम है इसको पहले कर लेते हैं। फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, लोअर रेंज जैसा ही ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको इस टोन पर कोडिंग नहीं करना है। कोडिंग के लिए अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडिंग किया हुआ है, कोडिंग कैसे करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेसिंग कर लीजिए, आपका कोडिंग भी हो जाएगा। उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, मेरे चैनल पर है, ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इस टोन पर कोडिंग नहीं करूँगा, प्लेन टोन रखूँगा। तो क्या करना है दोस्तों, ऐसे ही छोड़ दीजिए लोअर रेंज, फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस, अपर रेंज ऐसे ही है, शिफ्ट बटन को छेना है, इसको हम माइनस करेंगे, -1, तब आपका ऑक्टेव इधर आ जाएगा। ये देखिए और थोड़ा सा रिवर्ब देने से अच्छे होएगा। तो इसको 127 करने से क्या होता है, 127 ही कर दीजिए, अच्छा लग रहा है, देखते हैं और कैसा लगेगा। और ये है एक नंबर MFX 1 हो गया। फिर माइनस कर्सर माइनस बटन प्रेस करके धीरे धीरे आप आ जाइए, सिर्फ इसको ऑन नहीं किया है, बाद में ऑन करेंगे। अभी मेरा मैं टोन पे आ गया, अभी हम पार्ट नंबर 2 पर जाएंगे। कैसे जाएंगे, शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए और कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, पार्ट नंबर टू पर मैं आ गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक टोन लगाएंगे, इसको ढूंढ लेंगे टोन इधर से। तो 3 बटन दबाइए, इस टोन को नहीं लगाएंगे, वन हंड्रेड फोर्टीन इस टोन को लगाएंगे हम। तो इसको क्या करना है दोस्तों, लेवल हम बाद में मिलाएंगे, इसका लेवल लग दीजिए दोस्तों,
फिलहाल मैं 90 रखता हूँ, बाद में मिलाएंगे। कीबोर्ड स्विच बाद में ऑन करेंगे। एक नंबर भी ऑन ऑफ है, दो नंबर भी ऑफ रखा है, बाकी सब ठीक ही है। सिर्फ ऑक्टिव शिफ्ट हमको माइनस करना है और इसका लेवल रिवर्ब जो है 127 कर दीजिए। फिर कर्सर माइनस बटन प्रेस करके आ जाइए टोन पे। आ गए मैं टोन पर। अभी हम क्या करेंगे, 3 नंबर पार्ट पर जाएंगे। सेम प्रोसेस, शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए, कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, नंबर 3 आ गया। इसमें हम स्ट्रिंग्स रखेंगे, कोई भी टोन, प्रीसेट टोन कोई भी। जीरो ट्वेंटी थ्री लाइए और इसका रिवर्ब 127 कर दीजिए। 127 रिवर्ब कर दिया और इसको थोड़ा सा रिलीज बढ़ाना है, थोड़ा सा रिलीज, तो थोड़ा सा रिलीज बढ़ा लीजिए, ज़्यादा हो गया। रिलीज प्लस 12, रिवर्ब 127 रिलीज प्लस 12, ऐसा आएगा फ्लेवर, ऐसा फ्लेवर आएगा। और इसका लेवल आपको रखना है, लेवल सेटिंग करेंगे। फिलहाल मैं इसका लेवल 60 रखता हूँ, 60 रख के देखते हैं कैसे लगेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपका लेवल हो गया। सिर्फ आपको 1 2 3 जो पार्ट नंबर है इसका कीबोर्ड स्विच आपको ऑन करना है। कहाँ पे है ये देखिए, कीबोर्ड स्विच मेरा 3 नंबर ऑफ है, इसको ऑन कर दीजिए। अभी हम 2 नंबर पे आएंगे, शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए और कर्सर माइनस बटन प्रेस कीजिए, इसको होल्ड करके रखिए, इसको ऑन कर दीजिए। फिर कर्सर माइनस बटन प्रेस कीजिए, इसको होल्ड करके रखे, इसको ऑन कर दीजिए। यानी 1 2 3 तीनों पार्ट मेरा एक साथ में लेयर हो गया दोस्तों। अभी देखते हैं कैसा लगता है। इसका अभी जो लेवल है, लेवल मिलाएंगे, 2 नंबर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। तो शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए, 2 नंबर क्या है,
दो नंबर का पार्ट लेवल 77 कर दीजिए, और थ्री नंबर का थोड़ा सा स्टिंग्स बढ़ाना है। शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए और कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए। थ्री नंबर पार्ट का ऑक्टेव शिफ्ट प्लस टू और इसका लेवल थ्री नंबर पार्ट नंबर थ्री लेवल 67 और शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए, दो नंबर लेवल पे आ जाइए, इसको होल्ड करके रखिए। दो नंबर पार्ट लेवल 77 और फिर कर्सर माइनस बटन प्रेस कीजिए। एक नंबर का लेवल जो गिटार टोन है 127, कर्सर माइनस प्रेस कीजिए, आपका टोन सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही बजेगा। बहुत अच्छा गिटार टोन मिला है दोस्तों, सुन लीजिए। कितना मीठा टोन बज रहा है दोस्तों, आप लोगों का फरमाइश टोन, गिटार टोन। पहले सेव कर लेते हैं। शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए, मेनू बटन प्रेस कीजिए, प्रोग्राम लिखाएगा, इसको एंटर मार दीजिए। पहले सेव कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे, एंटर मार दीजिए। इसमें नीचे में खाली जगह आएगा, ढूंढ लीजिए खाली जगह, नीचे में खाली जगह आएगा। नीचे में कोई खाली जगह नहीं मिल रहा है, फिर भी देखते हैं। कोई भी खाली जगह नहीं है दोस्तों, तो एक तो जगह चूज करना ही पड़ेगा। हम लोगों का कीबोर्ड के नीचे मिस में खाली जगह मिलेगा, वहाँ पे एक बार दो बार मार दीजिए, आपका टोन वहीं पे सेव हो जाएगा दोस्तों। मैंने 574 नंबर पे इस टोन को सेव किया, तो इसमें कोई लिखा नहीं लिखा है मैंने। रेन टोन नेम कैसे लिखते हैं इसका भी सॉल्यूशन मैंने मेरे चैनल पर वीडियो बना के अपलोडिंग किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं, इसमें गिटार टोन कैसे लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिखेंगे। तो एक बार इसको ओपन कीजिए, शिफ्ट बटन को ऐसे होल्ड कीजिए, मेनू बटन को प्रेस कीजिए, ये प्रोग्राम लिखाएगा, इसको इंटर मार दीजिए।
ऐसे आएगा, इसमें आप गिटार ऐसे आएगा, फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस करके आपको इधर में आना है। फिर कर्सर प्लस बटन प्रेस कीजिए, फिर कर्सर प्लस टी, फिर कर्सर प्लस ए, फिर आर लिख दीजिए, गिटार हो गया है। और इस लेखक को हम हटाएंगे, इस लेखक को हटा दीजिए, बड़ा हाथ का ए माइनस, फिर कर्सर प्लस इसको हटा दीजिए ऐसे, इसको हटा दीजिए, बड़ा हाथ का ए माइनस हट जाएगा। ऐसे लिखते हैं दोस्तों, टून का नाम, टून का नेम, या खुद अपना नाम या अपना नेम अब लिख सकते हैं, वो भी आपका मर्जी, जो भी इच्छा आप इसमें लिख सकते हैं। मैं जैसे मैंने गिटार लिखा है तो इसको वहीं पे सेव कर लीजिए, एक बार कॉन्फर्म होने के लिए ये इस टून पे है कि नहीं, या इसमें ही टून सेव किया हुआ था 574, उसमें एक बार दो बार दबा दीजिए, आपका टोन वहीं पे सेव हो गया। दोस्तों सुन लीजिए गिटार टोन, आप लोगों का फरमाइश टोन। बहुत सारा म्यूजिशियन भाई लोग हमको कमेंट्स किया था, आप लोगों का फरमाइश टोन गिटार टोन। ये था आप लोगों का आज का टोन गिटार टोन, आप लोगों का फरमाइश टोन रोलैंड XPS 10 कीबोर्ड पर। थैंक यू।